अडानी पर चुप्पी रहती है और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले बीबीसी पर हमला होता है, छापेमारी होती है। यह कैसा देश है, यह कैसा लोकतंत्र है, उसके खिलाफ में हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का आज पुतला फूंके हैं और चेतावनी दिए हैं कि जनता पर हमला करना बंद करो। स्थिति है, तमाम मीडिया को खरीद लिया जा रहा है और जो बोल रहे हैं उन पर दमन किया जा रहा है, उनको पत्रकारों से निकाला जा रहा है और बीबीसी जैसे ऐतिहासिक प्रतिष्ठित कार्यालय पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर छापेमारी की जा रही है। यह जाहिर करता है कि देश के अंदर में लोकतंत्र पर खतरा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है और उसके साथ आप देख रहे होंगे कि अडानी के साथ में कैसी यारी चल रही है। अडानी जो देश का पैसा लूट रहा है, LIC का पैसा, SBI का पैसा, जहां जनता के पैसे जमे हैं, उन पैसों को लेकर के वो दुनिया में व्यापार कर रहा है, दुनिया में ठगबनी जी कर रहा है और अडानी पर इनका एक मुंह स्वर नहीं निकलता है, अडानी पर चुप्पी रहती है और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले बीबीसी पर हमला होता है, छापेमारी होती है। यह कैसा देश है, यह कैसा लोकतंत्र है, उसके खिलाफ में हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का आज पुतला फूंके हैं और चेतावनी दिए हैं कि जनता पर हमला करना बंद करो, लोकतंत्र पर हमला करना बंद करो, देश के संविधान पर हमला बंद करो, नहीं तो जनता सड़कों पर उतरेगी, प्रतिक्रिया देगी, संघर्ष करेगी। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पटना। क्या कहना है कि पापा ने ये सर्वे का काम है, IT का रेट है, सरकार तो हर चीज में अडानी पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? संसद लगातार बाधित है, JPC का गठन करने में क्या जा रहा है? अगर अडानी इतना सही आदमी है तो जांच कमेटी क्यों नहीं बना लेते हैं, जांच कमेटी बना करके जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? तो अडानी पर चुप्पी है और बीबीसी पर IT रेट को कहते हैं कि वो कुछ नहीं है, यह धोखा है, गुमराह करना है, लगातार ये जनता को और देश को गुमराह कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं।